73 और दूसरा संन्यास उनका ओशो धारा में हुआ है। ओशो धारा में जो आपका नाम मिला उसका नाम क्या? ओशो नीलमणि। ओशो नीलमणि, ठीक है। तो आइए हम और प्यार से इनको नीरू जी बोलते हैं, इनके परिवार में और इनके जितने भी सन्यासी भाई चाहने वाले हैं सब उनको नीरू जी बोलते हैं। तो मैं भी आपको नीरू जी बोलूँ चलेगा? जी। अच्छा, अक्टूबर में हमने नीरू जी का इंटरव्यू किया था, तो उसमें हमने जहाँ पर इंटरव्यू नीरू जी छोड़ा था वहीं से हम शुरुआत करते हैं जी। याद है आपको कहाँ से हमने जी खत्म किया था इंटरव्यू? मैंने एक्सपीरियंस बताया था 2004 का, मैंने ओशो धारा ज्वाइन किया था। इट वॉज रिगार्डिंग सम्यक दृष्टि। हाँ, मैंने कहा था मेरी पूरी सारी जिंदगी बदल गई, मेरे में इतने चेंजेस आ गए, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ मेरे परिवार में, मेरे हस्बैंड के साथ, मेरे बेटी के साथ बहुत सुंदर रिलेशन हो गए। तो वो अपने संन्यास में आने के बाद में उनकी जिंदगी में क्या बदलाव? ओशो धारा में आने के बाद में जिंदगी में क्या बदलाव आए हैं वो बताएं। और अनुभूति, जो अनुभव मुझे हुए वो भी बताऊंगी। उधर बोल देखिए बिल्कुल जी। सुरती समाधि मैंने जब की तो मुझे बहुत ही सुंदर अनुभव हुआ। मेरी एक कज़न सिस्टर है जिसकी डेथ हो गई थी, तो मैं समाधि में थी तो उसने आके मुझे कहा, उसकी आवाज़ आई मुझे और कहने लगी कि तुम बहुत आगे बढ़ोगी इसमें ही अध्यात्म में। तो मैंने वो डायरी में लिखा था, फिर जो मेरे आचार्य जी थे उन्होंने ओम करके साइन करके दिया था। फिर मेरी अमृत समाधि में मुझे 5 बार आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुआ है। मैं एयर इंडिया में फ्लाई करती थी, पहले मैंने बताया था पिछले एपिसोड में, एयर होस्टेस थी। तो कोचिन में एक बार मैं डायरी लिखते लिखते मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा शरीर कहाँ चला गया, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस ज़बरदस्त हुआ। और फिर वापस फॉर फ्यू सेकेंड्स में भी और वापस बॉडी में आ गई। ऐसे कई बार हुआ है, 4-5 बार हुआ है। कभी किचन में भी हुआ मेरे साथ, सैलड काटते काटते। हाँ, सैलड काटते काटते ऐसे सैलड अलग हो गया, मेरा हाथ ऐसे अलग हो गया। फिर इवन सीलिंग पे भी मेरा हुआ, मेरी बॉडी ऊपर चली गई। ऐसे काफ़ी सारे इंसिडेंट्स हुए। कैसे आपने जस्टिफाई किया कि इट वाज द आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस? बिकॉज आई कुड फील कि मैं बॉडीज देख रही हूँ, मेरी अच्छा, अच्छा। हाँ, आई कुड सी अलग से बॉडी। योर बॉडी समवेयर एल्स। हाँ हाँ, यस यस यस। अच्छा, वो दैट जो उसमें जो रहता है आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस में, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कैन यू सी द एंटायर वर्ल्ड, एंटायर ग्लोब एट ए टाइम और व्हाट? नो, कैसा रहता है? नहीं नहीं, नॉट द एंटायर वर्ल्ड, बट अपने आप को, खुद को, अपने आप को मेरे शरीर दिख रहा है, मेरे शरीर ऐसे देख रहा है, ऐसे बॉडी पड़ी है, ऐसे सेपरेट, कोई और देख रहा है ऐसे, लाइक यू नो, आई कांट एक्सप्लेन, बट इट्स वेरी डिफरेंट एंड इट्स नहीं बिल्कुल नहीं। और भी बहुत सारे समाधियों और प्रज्ञा जो हमारे आश्रम में ओशोधारा में कराते हैं, उस प्रज्ञा में एक उमंग प्रज्ञा जब मैंने की, उसके बाद बड़ा सुंदर मुझे एक्सपीरियंस हुआ फ्लाइट।